ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूँ पीके सर। आज आप सबके मध्य फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आशा है कि आप सब सकुशल होंगे, मैं भी सकुशल हूँ और आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित होता हूँ। हिंदी साहित्य से संबंधित हमारी चर्चा का विषय रहता है। हिंदी साहित्य में हम लोग आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने आधुनिक काल पर एक क्लास आपको दी थी, जो गद्य विधाओं की स्पेशल क्लास थी, जिसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन था। आज फिर हम आधुनिक काल पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और आज की प्रश्नोत्तरी आधुनिक काल के निबंध स्पेशल पर है, अर्थात निबंध विधाओं पर है, निबंध विधा पर है और निबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और शीघ्रता से अपने साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे संख्या ठीक हो जाए। और आज आप लोगों ने ही लक्ष्य रखा है 100 का, कल भी हो गए थे, लगभग 70 से ऊपर थे, 74 लोग हो चुके थे, तो 70-80 के बीच में थे कल, तो अब 10-20 का ही अंतर बचा हुआ है। तो आप शीघ्रता से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और ये संख्या 100 की गिनती तक पहुँचा लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना काम। प्रश्नोत्तरी आपको दिखाई दे रही है, शुरुआत करते हैं निबंध स्पेशल। पहला प्रश्न है, चलिए, और आज हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो दी थी 50 सेकंड की लगभग, तो उस शॉर्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया है या साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। मुझे पहचानो इस उपन्यास के लिए, मुझे पहचानो इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी देने की घोषणा की गई है। तो साहित्य अकादमी, इस बार का साहित्य अकादमी मुझे पहचानो इस उपन्यास को मिलेगा और ये संजीव का उपन्यास है, ठीक है। तो विशेष क्लास इस पर हम हो सकता है सुबह दें, जिसमें संजीव का जीवन परिचय रहेगा, सारी रचनाएँ रहेंगी और साहित्य अकादमी से संबंधित तथ्य भी रहेंगे, लेकिन हमने शॉर्ट वीडियो में वो आपको दे दिया है। आपने नहीं देखी है तो देख लेना, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में वर्तमान समय में समसामयिक काल में जो पुरस्कार मिलते हैं उन रचनाओं को अवश्य पूछा जाता है। चलिए पहला प्रश्न, इनके निबंध निबंध न होकर जोशीले भाषण हैं। बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत अच्छा कथन है। इनके निबंध निबंध न होकर जोशीले भाषण हैं, किनके? प्रभाकर माचवे के, दिनकर के, शिव पूजन सहाय के या बेचन शर्मा उग्र के? पांडे, बेचन शर्मा उग्र, ए बी सी डी बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, प्रभाकर माचवे, ये चार विकल्प आपके सामने हैं, ए बी सी और डी। इनमें से किनके निबंध हैं जिन्हें जोशीले भाषण कहा गया है, बताओ। बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, सही दिख रहा है आपको। चलिए, तो इस पहले प्रश्न का विकल्प सही होगा डी। कौन सा सही होगा? डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र के जो निबंध हैं, इन निबंधों को जोशीले भाषण की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? कि इनके निबंध जोशीले भाषण हैं, ठीक है। तो हम निबंध स्पेशल पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन पहला ही। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा है, असंगत है, इनमें से असंगत बताना है, कौन सा असंगत है? चलिए देखते हैं, पृथ्वीपुत्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, कुबेर नाथ राय, खुसरो रैन सुहाग की, विद्या निवास मिश्र। बहुत शानदार निबंध हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हैं ये, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हैं, आप नोट करते चलेंगे ऐसा विश्वास है। और जो विद्यार्थी नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स पर अपना अंकित करते चल रहे हैं और आशा ऐसी है कि अवश्य ही ये नोट्स आपके काम आएंगे, और काम ही नहीं आएंगे, बहुत अच्छी तरह से काम आएंगे, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वीपुत्र,
वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, रसज्य रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, काहेरी नलिनी तू कोमिलानी, कुबेर नाथ राय और खुसरो रैन सुहाग की विद्या निवास मिश्र, कौन सा सही है? दूसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है बताइए, दूसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पृथ्वी पुत्र, तो पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक है, किनका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनका एक और महत्वपूर्ण है राष्ट्र का स्वरूप, ये निबंध आता है परीक्षाओं में बहुत, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, और इस राष्ट्र के स्वरूप में राष्ट्र के अंग कितने बताए हैं, राष्ट्र के अंग, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप इस निबंध में इन्होंने राष्ट्र के कितने अंग बताए हैं बताइए, तो राष्ट्र के इन्होंने तीन अंग बताए हैं, राष्ट्र के कितने अंग बताए हैं, तीन, कौन कौन से, भूमि, ठीक है, जन, भूमि, जन और तीसरा संस्कृति, भूमि, जन और संस्कृति, ठीक है, ये आप नोट रखेंगे, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो विशेष होगा, ठीक है, खास होगा। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है, और इस राष्ट्र के स्वरूप में राष्ट्र के अंग, किसी भी राष्ट्र के कितने अंग हैं, तो तीन अंग बताते हैं, एक तो भूमि होनी चाहिए राष्ट्र के लिए, जब तक भूमि नहीं होगी तो राष्ट्र नहीं हो सकता, दूसरा अंग जन, भूमि के साथ साथ जन भी होने चाहिए, लोग भी होने चाहिए, अब जहाँ जैसे कोई ऐसा महाद्वीप है अंटार्कटिका है या कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग नहीं है तो वहाँ कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, और भूमि भी हो जन भी हो और उनकी कोई संस्कृति न हो तो वो भी राष्ट्र राष्ट्र नहीं कहलाएगा, तो भूमि जन और संस्कृति ये तीन तत्व इन्होंने बताए हैं, आप नोट रखेंगे, ठीक है। चलिए, रसज्य रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत आता है, इसके साथ साथ हमने आपको बताया है इनका परीक्षाओं में आने वाला संपत्ति शास्त्र, ठीक है, कौन सा है, संपत्ति शास्त्र, ये भी परीक्षाओं में बहुत आता है इनका, ठीक है, ये एक नाटक लिखा है इन्होंने, कालिदास की लालित्य योजना लिखा है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इन्होंने ही एक ये लिखा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, अनुवाद है ये महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में ये सरस्वती के संपादक बने थे, ये EMRS में पूछा गया है अभी परीक्षा में कब बने हैं, ठीक है, और ये 1903 से 1920 तक रहे थे इसके संपादक सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी, और क्या है, इन्होंने रेलवे में नौकरी की थी, ये रेलवे में नौकरी की थी इन्होंने, ठीक है, रेलवे में, किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, यही विकल्प सही है, ये कुबेरनाथ राय का नहीं है, ये विद्यानिवास मिश्र का है, इस विकल्प को यहाँ भी लिख लेंगे विद्यानिवास मिश्र, और खुसरो रैन सुहाग की, ये भी विद्यानिवास मिश्र का है, अर्थात कौन सा असंगत है, तो असंगत हो जाएगा सी वाला, क्योंकि सी पर जो लिखा हुआ है काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, ठीक है, ये कुबेरनाथ राय का नहीं है, ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का, और ये पंक्ति पूछी जाए परीक्षा में, ये पंक्ति भी पूछी जाती है कि काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, तो ये कबीरदास की है, ठीक है, यदि ये पूछी जाए काहेर, परीक्षा में ये पंक्ति भी कई बार आई है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, ठीक है, कुम्हलानी, तो ये पंक्ति पूछी जाएगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो है बाबा कबीर, ठीक है, कौन है, बाबा कबीर हैं, हमारे तो बाबा ही हैं, चलिए बाबा कबीर, तो ये दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही हुआ। अगला है तीसरा प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों को संबोधित करके लिखा गया निबंध, ठीक है,
जितनी कहा जाए उतना कम इसके लिए, जितना कहा जाए उतना कम। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, जितना भी इसके लिए कहा जाए कि ये इम्पोर्टेंट है उतना कम है। परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, यूजीसी नेट ने, टीजीटी पीजीटी ने और आरपीएससी ने, हर परीक्षा संस्था ने इस प्रश्न को पूछा है और खूब दिल खोल कर पूछा है ये, ठीक है, बड़ी संख्या में पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों को संबोधित करके लिखा गया निबंध कौन सा है? शिव शंभू का जट्ठा, न्याय का संघर्ष, धोखा या ये सभी? बताइए ए बी सी डी, बताओ भाई बताओ। शिव शंभू का जट्ठा, न्याय का संघर्ष या ये सभी? प्रश्न संख्या तीसरा है। चलो बताओ। तो ये सब जानते हैं शिव शंभू का चिट्ठा। अब शिव शंभू का चिट्ठा ये है किनका, ये पूछा जाता है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त का है। किनका है? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, किसका है? ये बाल मुकुंद गुप्त का। अब पूछा जाए न्याय का संघर्ष, ये निबंध किसका है? न्याय का संघर्ष निबंध किसका है? तो न्याय का संघर्ष ये यशपाल का निबंध है। किनका है? यशपाल का, ठीक है। और धोखा पूछा जाए, धोखा ये भी महत्वपूर्ण है, तो धोखा किसका है? ये प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। अर्थात ये तीन महत्वपूर्ण निबंध हुए, शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त का है, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये काफी विनोद प्रिय निबंधकार थे। कैसे थे? विनोद प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं और विनोद प्रिय थे, खूब मजा लेने वाले थे, ठीक है, काफ़ी चर्चित निबंधकार थे अपने समय के। चलिए आगे चर्चा करेंगे इन पे, जब चर्चित थे तो। अगला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, बताइए। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, भाई इंग्लिश पढ़ोगे तो बाबू होगे, अन्यथा नहीं। इंग्लिश वालों से बाबू कहा जाएगा, बाबू जी अलग होता है, बाबू अलग होता है, ठीक है। आजकल तो बाबू का अर्थ ही बदल गया है, लेकिन बाबूजी अलग है और बाबू अलग है, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, निबंध के लेखक, चौथा प्रश्न है, बताइए। बताइए प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अजय, ठीक है, और भारतेंदु। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। चलो, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, बताइए। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए निबंध के लेखक कौन है? ए बी सी या डी, बताइए। शानदार प्रश्न है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए इस निबंध के लेखक कौन है? इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, नहीं। बालकृष्ण भट्ट, हाँ, अब ये नहीं, अर्थात बी विकल्प सही है। बालकृष्ण भट्ट ने ये निबंध लिखा है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। और यहाँ इनका एक निबंध और लिख लो, एक और लिख लो यहाँ पर इन्हीं का, बालकृष्ण भट्ट का, ईश्वर भी लिखो। ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, ठीक है। किसका है ये? इन्हीं का है, बालकृष्ण भट्ट जी का, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, और ये दो महत्वपूर्ण, वैसे बहुत सारे निबंध हैं, अभी यहाँ पर आप दो नोट कर लीजिए। चलिए चौथा हो गया, पांचवा देखो, नाम वर्ष हैं का निबंध संग्रह। नाम वर्ष हैं का निबंध संग्रह कौन सा है? नाम वर्ष हैं, ठीक है, जिसका नाम
का यश हो, श्रेष्ठ हो, नामवर, वर माने श्रेष्ठ, जिसका नाम ही श्रेष्ठ हो उसे कहते हैं नामवर। वाद विवाद और संवाद, बकलम खुद, बाकलम खुद, बी और सी दोनों, बताइए कौन सा सही होगा। ए बी सी डी, नामवर सिंह के निबंध संग्रह कौन से हैं? तो नामवर सिंह के निबंध संग्रह बताइए, बताओ बताओ बताओ। चलो देखते हैं, आस्था के चरण, ये किसका निबंध है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। वाद विवाद किसका है? ये है नामवर सिंह का। किसका है? नामवर सिंह का। बकलम खुद किसका है? ये भी है नामवर सिंह का। ठीक है, तो जब ये दोनों हैं तो सही कौन सा हो जाएगा? बी और सी दोनों वाला, अर्थात डी विकल्प। नामवर सिंह का निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा? ये दोनों हैं, वाद विवाद संवाद और बकलम खुद, ये वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वाद विवाद संवाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो ये भी है, दोनों हैं, लेकिन ये ज़्यादा आता है परीक्षाओं में। ठीक है, डी विकल्प सही होगा। पांच प्रश्न हो गए, चलो देखते हैं अब छठवां। दांत, भौं, मूंछ, नाक, बात, निबंधों के लेखक, प्रत्येक विद्यार्थी इसका सही उत्तर दे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सरल है, आता बहुत है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है ये प्रश्न। ठीक है, थोड़े से कठिन हो जाए तो आपको डर लगने लगता है कि सर बहुत कठिन हो गए। ठीक है, तो हमने कुछ प्रश्न ऐसे लिखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे लिखे हैं जो हम कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है, कुछ कठिन भी कुछ सरल भी, एक संगम होगा कठिनता का और सरलता का। ठीक है, दांत, भौं, मूंछ, नाक, बात, ये शरीर के अंगों पर ये वाले निबंध लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, तो इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अलग अलग पूछे तो भी आप बता देंगे, भौं निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। दांत निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। मूंछ निबंध किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र ने। नाक किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र ने। बात किसने लिखा? तो ये प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, चलो छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। अब देखो सातवां, ये आप बताओ, इसमें थोड़ा सा समय देंगे हम आपको। चिंता, न्याय, काम, स्वार्थ आदि निबंधों के लेखक कौन हैं? ये निबंध किसने लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट ने, राधाचरण गोस्वामी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, या बाल मुकुंद गुप्त ने? ठीक है, छठा प्रश्न हमने शीघ्रता से बता दिया, अब सातवें प्रश्न में आपको थोड़ा सा समय देंगे, 5 सेकंड का। बताइए भाई बताइए। सभी साथियों को नमस्कार है, सभी साथियों को शुभ आशीष है, ईश्वर आपकी मदद करे, बांके बिहारी आप पर कृपा करें, राधे रानी आप पर कृपा करें, भाई आपको सफलता मिले, सरस्वती माँ आपको सद्बुद्धि दें, सफलता दें। चिंता, न्याय, आशा, काम, और आज के न्यूज़पेपर में भी आया है कि चुनावी वर्ष में होगी भरमार शिक्षकों की भर्ती की, तो आपकी भर्ती अब चुनावी वर्ष ही है, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, अब क्या है, दिसंबर गया, 24 आने वाला है, और 24 चुनावी वर्ष, 24 में ही चुनाव होंगे, तो पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं, तो भर्ती तो आने ही वाली हैं, परीक्षाएँ होने वाली हैं, तो आप जी जान से जुड़ जाइए। ठीक है, जी जान से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और पुस्तकों को अच्छे अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए। चिंता, न्याय, काम, स्वार्थ, बालकृष्ण भट्ट नहीं, राधाचरण गोस्वामी नहीं, प्रताप नारायण मिश्र हाँ, बाल मुकुंद गुप्त नहीं, अर्थात इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये भी निबंध प्रताप नारायण मिश्र के ही हैं, ये निबंध भी किनके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के ही। ठीक है, ये निबंध भी किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के ही हैं। सी विकल्प सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। चलो अब देखते हैं, सातवां हो गया, आठवां, कौन से विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है, ठीक है, नहीं है,
बताइए कौन से विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह नहीं है, मतलब सभी निबंध संग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास है, ठीक है, सीधे परीक्षा में ही लगेगा, जाके सीधे लगेगा, इसमें से आपको एक प्रश्न मिल सकता है इसी प्रश्न से, ठीक है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है। अब बताओ कौन से, विचार और वितर्क, विचार और प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, अशोक पर्व, शब्दार्थ विवेचन, साहित्य सहचर, कल्पलता, बताओ कौन सा विकल्प सही है। कौन से विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह सभी निबंध संग्रह नहीं है, या सभी शब्द और होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, कौन से विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, सभी निबंध नहीं है निबंध संग्रह, चलो बताओ। तो विचार और वितर्क ए, ए किन किन के अनुसार सही है, जिनके अनुसार ये सही है उनका उत्तर गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये भी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये भी है। बी, कुटज भी बहुत महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ठीक है, अशोक के फूल में क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, और अशोक के फूल कैसे रंग के होते हैं, रंग तो अशोक के फूल लाल रंग के होते हैं और सफ़ेद रंग के भी होते हैं, ठीक है, अशोक के फूल समझ रहे हो। और जो कामदेव के पांच पुष्प बाण थे, कामदेव के पांच पुष्प बाण, ठीक है, कामदेव के पांच पुष्प बाण जो थे उनमें एक अशोक के फूल का भी था, ठीक है, मादकता को बढ़ाने वाला। और जो आजकल हमारे उत्तर भारत में अशोक नाम से प्रसिद्ध पेड़ है वो वास्तविक अशोक नहीं है, वो नकली अशोक है, उसका नाम अशोक रख लिया गया है, जो ओरिजिनल अशोक था वो तो हरा भरा रहता है और वो उस पर पुष्प खिलते हैं लाल और सफ़ेद, ये अशोक ऐसा है कि इस पर कभी पुष्प नहीं आते हैं, ये निफूला है, ठीक है, तो ये निफूला है, ये अशोक की क्या है, अशोक के लिए, अशोक की, अशोक नाम को ही बेकार कर रहा है, वो बहुत उच्च कोटि के पुष्प वाला पेड़ है अशोक, ठीक है, तो दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक के फूल को भूल गई है। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, और पांच पुष्प बाण कौन कौन से हैं, हमने एक बार आपको पूछा था, कुछ लोगों ने उत्तर बताए थे, ठीक है, आपको पता है तो आप आज फिर से उत्तर बता दीजिए, वो तो ये विकल्प सही हो गया, ये हैं इनके, ये हैं। अब आलोक पर्व और शब्दार्थ विचार, ये विकल्प सही हो जाएगा, आलोक पर्व तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन ये शब्दार्थ विचार ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये सारे विकल्प इसमें गलत नहीं है सारे, लेकिन ये तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये नहीं है, ये किनका है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है शब्दार्थ विचार, और साहित्य सहचर और कल्पलता ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही हैं। अब देखो कितने निबंध संग्रह हो गए, आपको याद रखने हैं, एक हमने प्रश्न ऐसा बनाया है कि एक ही प्रश्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे निबंध संग्रह आ जाएं, और ये सारे निबंध संग्रह आ गए लगभग, ठीक है, 6 और 7 निबंध संग्रह आ गए एक प्रश्न में, ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी निबंध संग्रह आ गए एक ही प्रश्न में। चलिए 8वां प्रश्न हो गया, ठीक है, सी विकल्प सही है, शब्दार्थ विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, अगला है 9वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, ठीक है, बताओ भाई बताओ, मच्छर कहाँ बैठे हैं, मच्छर बाबू किधर हो भाई, क्यों पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहे हो, कोई और है कि मच्छर है, दिख भी नहीं रहा है, चलो हट गया कहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नहीं है,
निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से नहीं है बताओ? धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आर्यों की जन्मभूमि, बताओ। नौवां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अनुमान से भी ज़्यादा बढ़िया। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? कौन सा निबंध नहीं है? निबंध की बात हो रही है, तो बताओ ए, ए या बी या सी या डी, बताइए कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मनुष्य की सर्वोत्तम कृते साहित्य, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब बच्चा ये आर्यों की जन्मभूमि, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो फिर किन का है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और द्विवेदी युग का नामकरण किन के नाम पर हुआ है ध्यान रखना, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ठीक है। द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, आचार्य महावीर, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। और यही थे सरस्वती पत्रिका के संपादक, यही क्या थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने चार उपन्यास लिखे हैं। कितने उपन्यास लिखे हैं? चार। कौन कौन से हैं? कई बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आर्यों की जन्मभूमि निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, अभी ये EMRS में पूछा गया है, ठीक है, 2023 ताज़ा पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नौवां प्रश्न हो गया, अब देखते हैं दसवां प्रश्न। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, कथन किस ग्रंथ से है? बताओ भाई। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, कथन किस ग्रंथ से है? चिंतामण, कल्पलता, रसमीमांसा, कुटज, बताइए। दसवां प्रश्न है, हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, किस ग्रंथ से है ये, बताओ किस ग्रंथ से है? चिंतामणि किनका है? आप जानते हैं, पहले भी बताया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इम्पोर्टेंट। कल्पलता किनका है? अभी बताया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। इसके बाद रसमीमांसा किसका है? तो ये भी शुक्ल जी का है। इसके बाद कुटज किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। अब देखो, इसमें हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ है, ये कथन है रसमीमांसा से। सी विकल्प सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा? सी, 10 का सी। चलो 11वां देखो, दृष्टि अभिसार निबंध संग्रह किसका है? बहुत बढ़िया, दृष्टि अभिसार निबंध संग्रह किसका है? कुबेरनाथ राय, विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अज्ञेय, बताओ। दृष्टि अभिसार निबंध संग्रह किसका है? बहुत शानदार निबंध संग्रह है। ABCD किसका है बता दीजिए। यहाँ निवेदी लिख गया है,
या होना चाहिए द्विवेदी। ठीक है, अब बताओ 11 का दृष्टि अभिसार। दृष्टि अभिसार बताओ किसका है? दृष्टि अभिसार कुबेरनाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या अज्ञे का? तो दृष्टि अभिसार है कुबेरनाथ राय का। किसका निबंध संग्रह है ये? कुबेरनाथ राय का। ठीक है, चलो 11वां हो गया, अब देख लो 12वां। देख लो, चलो इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा ये गलत लिखा है, प्रिंट गलत हो गया है भैया जी से। यहाँ पर होना चाहिए अज्ञे। ठीक है, ये के भाषणों, वक्तव्यों, प्रश्नोत्तरी, ठीक है, भेंट वार्ता आदि का निबंध संग्रह है। मतलब अज्ञे के वक्तव्यों का निबंध संग्रह, अज्ञे के भाषणों का संग्रह कौन से निबंध संग्रह में है? त्रिशंकु, ये सब उन्हीं के, आत्मनेपद, आलवाल, जोग लिखी। बताओ कौन से निबंध संग्रह में क्या है? अज्ञे के भाषण संकलित हैं, वक्तव्य और प्रश्नोत्तरियां संकलित हैं। बताओ भाई बताओ कौन से निबंध संग्रह में अज्ञे के भाषणों का संकलन है? बताओ कौन सा होगा? त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, जोग लिखी। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, आलवाल। आलवाल काय का है? भाषणों का संग्रह है। ठीक है, चलो 13वां देख लो। अब 13वां क्या है? मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, निबंध के लेखक, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। बताओ भैया, बहुत शानदार निबंध है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, पद्मसिंह शर्मा, प्रेम घन, एमपीडी गुलेरी। एमपीडी बोले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बताओ आओ मुझे मेरे मित्रों से बचाओ किसका है? बहुत बढ़िया निबंध है, मित्रों से बच के रहो, और ऐसे मित्रों से तो बच के ही रहो जो आस्तीन के सांप हों। ठीक है, ऐसे मित्रों से तो बच के ही रहो। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत तादृशं मेत्रम विषकुंभम पयोमुखम, वर्जयेत तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे? परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ना चाहता हो और मुंह के सामने मीठी मीठी बातें सुनाता हो, तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से जहर से भरे हुए घड़े के मुख पर यदि दूध लगा हो और उसे त्याग देते हैं, वैसे ही ऐसा मित्र होता है जहर से भरा हुआ घड़ा जिसके मुख पर लगा हो दूध। तो जैसे जहर से भरे हुए, विष से भरे हुए घड़े को त्याग कर जिसके मुख पर दूध लगा हो त्याग देते हैं, वैसे ही ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। तो मेरे मित्रों से मुझे बचाओ, ए विकल्प सही हो जाएगा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, पद्मसिंह शर्मा। हिंदी में बिंदी, ये पूरा है, एक कौमा यहाँ से है, एक कौमा यहाँ से, यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया है धोखे में। चलो हिंदी में बिंदी, बहुत शानदार। हिंदी में बिंदी निबंध किसने लिखा? हिंदी में बिंदी निबंध किसने लिखा? राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मसिंह शर्मा। बताओ भाई हिंदी में बिंदी निबंध किसने लिखा है? हिंदी में बिंदी निबंध किसने लिखा है? बताओ हिंदी में बिंदी निबंध के लेखक कौन से हैं इनमें से? बताइए, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त इनमें से, और पद्मसिंह शर्मा। तो राधाचरण गोस्वामी ने नहीं लिखा, इन्होंने भी नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है और इन्होंने भी नहीं लिखा है, अर्थात सी विकल्प सही है, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है हिंदी में बिंदी। किनका है?
बाल मुकुंद गुप्त का, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी में बिंदी की बहुत बड़ी वैल्यू है। चलो 14 हो गए, 15वां देख लो अब क्या है। ललित निबंधकार नहीं है, ललित निबंधकार कौन नहीं है इनमें से, ये देखना है आपको। ललित निबंधकार नहीं है शरद जोशी, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र। बहुत शानदार प्रश्न है, और एक प्रश्न इस तरह का आता है परीक्षाओं में, ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, तो बताइए ललित निबंधकार कौन नहीं है इनमें से। शरद जोशी, 5 सेकंड का समय है आपके पास। शरद जोशी, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र। तो ये हैं अर्थात शरद जोशी ललित निबंधकार नहीं है, ये है हास्य व्यंग्य निबंधकार। ठीक है, हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? शरद जोशी, बाकी ये तीनों हैं ललित निबंधकार। ठीक है, 15वां प्रश्न हो गया, अब चलते हैं 16वां प्रश्न। चलो भैया 16वां प्रश्न देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बाल मुकुंद गुप्त यहां आएगा। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण, ये निबंध का नाम है भाषा और व्याकरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, में अनिश्चितता शब्द को लेकर हंसी ठिठोली किस नाम से की थी? बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध में, जिसका नाम था भाषा और व्याकरण, इसमें अनिश्चितता शब्द को लेकर हंसी ठिठोली की थी किस नाम से? दाताराम, शांताराम, आत्माराम, सुखराम, बताओ ए बी सी डी। बहुत बढ़िया है प्रश्न, शानदार प्रश्न है भाई, ये 16वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ किस नाम से की थी, बताइए भाई बताइए। बताइए बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में अनिश्चितता शब्द को लेकर हंसी छिटोली की थी, वो की थी आत्माराम नाम से। किस नाम से की थी? आत्माराम नाम से। अपना नाम बाल मुकुंद गुप्त न लिखकर इन्होंने आत्माराम नाम से लिखा कि अनिश्चितता शब्द ये गलत है, तो इसके विरोध में फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? सर्ग और नरक ठिकाना ना है, सर्ग और नरक ठिकाना ना है, ठिकाना ना है, इस नाम से निबंध लिखा। ठीक है, किस नाम से निबंध लिखा? और दूसरे नाम से लिखा था कल्लू अलहत, ऐसे लिख लो, ऐसे कल्लू अलहत, अब सही। चलो क्या लिखा? स्वर्ग और नरक ठिकाना ना, कल्लू अलहित नाम से लिखा। ठीक, समझना, इससे प्रश्न बहुत आए हैं परीक्षा में। बाल मुकुंद गुप्त ने, देखो भाषा और व्याकरण इस निबंध में प्रयोग कर दिया अनिश्चितता शब्द का, किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बाल मुकुंद गुप्त ने ये कहा कि ये अशुद्ध शब्द है और इसके स्थान पर ये नहीं आएगा, अनिश्चितता शब्द अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, तो इन्होंने आत्मा राम नाम से क्या लिखा? ये निबंध लिखा और इस पर मजाक किया, इनका मजाक उड़ाया। तो फिर इसके उत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अलहत नाम से,
कल्लू अलहत नाम से निबंध लिखा, क्या स्वर्ग और नरक ठिकाना ना है। क्या लिखा? स्वर्ग और नरक ठिकाना ना है। स्वर्ग मतलब स्वर्ग में, स्वर्ग और नरक में कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इस विवाद में आए गोविंद नारायण मिश्र। कौन आए? गोविंद नारायण मिश्र इस विवाद में आए। गोविंद नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र इस विवाद में आए और उन्होंने फिर निबंध लिखा आत्माराम की टेंटें। आत्माराम की टेंटें, टेंटें कर रहे हो फालतू में। आत्माराम क्या कर रहे हैं? टेंटें। तो ये आत्माराम की टेंटें निबंध लिखा किसने? गोविंद नारायण मिश्र ने। अब आत्माराम की टेंटें, आत्माराम नाम से किसने लिखा? बालमुकुंद गुप्त ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेकर इनके ऊपर निबंध लिखा फिर। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पक्ष में इन्होंने लिखा आत्माराम की टेंटें। तो ये मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत गंभीर मुद्दा है। ठीक है, बहुत गंभीर मुद्दा है और यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। आत्माराम की टेंटें नाम से किसने लिखा? स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं किसने लिखा? ठीक है, अनिश्चितता शब्द को लेकर किस किस में विवाद हुआ? ठीक, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस उपनाम से लिखा या छद्म नाम से लिखा, ये सारी चीज़ें आगे। चलो अब 17वां देख लो। ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध हैं या है? ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है। चलो बताओ, ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है। ललित निबंध क्या है? वस्तुतः आत्मनिबंध है। ठीक है, ये गलत थोड़ा सा यहाँ लिख गया है। ये कथन किसका है? यहाँ कथन होना चाहिए था। ये कथन किसका है बताओ? ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है। रमेश चंद्र शाह का, नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, नंद किशोर आचार्य का। बताओ ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है, किसका है ये? ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है, रमेश चंद्र शाह, नगेंद्र, बच्चन सिंह, नंद किशोर आचार्य, बताइए ये किसका है? ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है। बोलो भाई बोलो, ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध हैं या आत्मनिबंध है, यह कथन किसका है? ठीक है, कथन किसका है? चलो बताओ। तो ये कथन है, ए विकल्प सही है, रमेश चंद्र शाह का। किसका है? रमेश चंद्र शाह का ये कथन है, ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है। चलो अगला है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। किन का? कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। बोलो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन किससे संबंधित है? एक प्रश्न तो यही आएगा कि यह कथन किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कविता में उनका संस्कार और गद्य में विचार, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अब किसके संबंध में है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, भारतेंदु या महादेवी वर्मा? बहुत शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिए भाई। थोड़ा सा समय देंगे हम आपको इस प्रश्न पर। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह निबंध किसके संबंध में है? बताओ, ए बी सी डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, भारतेंदु या डी विकल्प सही है, महादेवी वर्मा? बताओ कौन सा सही होगा इसमें।
बताइए बताइए। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्विवेदी यहाँ ऐसे लिखा जाएगा के संदर्भ में नहीं कहा है, शुक्ल जी के संदर्भ में भी नहीं कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में कहा है, महादेवी वर्मा के संदर्भ में नहीं कहा है। अर्थात ये कथन भारतेंदु के संदर्भ में कहा गया है, कविता में उनका, यहाँ कोष्टक में भारतेंदु लिख सकते हो, कविता में भारतेंदु का संस्कार है और गद्य में विचार, मतलब कविता में संस्कार था और गद्य में विचार था, भारतेंदु जी के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। चलो अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, और बहुत बार पूछा गया है ये परीक्षा में, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी MPD, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किसके संबंध में है, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु शुक्ल या बाल मुकुंद गुप्त, बताओ ABCD। बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसके संदर्भ में ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कि अच्छी हिंदी एक ही व्यक्ति लिखता है, बताओ कौन लिखता है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन किसके संदर्भ में कहा है, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु शुक्ल जी या बाल मुकुंद गुप्त। तो अच्छी हिंदी एक ही व्यक्ति लिखता है, राधाचरण गोस्वामी के संदर्भ में भी नहीं, इनके संदर्भ में भी नहीं, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त इनके समकालीन थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के, और उनके संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि अच्छी हिंदी एक ही व्यक्ति लिखता है अर्थात बाल मुकुंद गुप्त। चलो 20वां देखो, आप 20वां प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी का, हिंदी के प्रथम निबंध कार र, हिंदी के प्रथम निबंधकार भारतेंदु हैं, किसने माना, हिंदी के प्रथम निबंधकार भारतेंदु हैं ये किसने माना, बताओ पहले निबंधकार भारतेंदु को किसने माना है, गणपत चंद्रगुप्त, लक्ष्मी सागर वासले, विश्वनाथ शुक्ल, बताओ ABCD, बताइए भैया, बता दीजिए, शानदार प्रश्न है ये, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हिंदी के प्रथम निबंधकार भारतेंदु हैं किसने माना, बताइए। तो पहले तो शुरुआत से ही बात करते हैं, गणपत चंद्रगुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को क्या माना, पहला निबंधकार, ठीक है, पहला निबंधकार किसने माना, गणपत चंद्र गुप्त ने। अब दूसरे नंबर पे लक्ष्मी सागर वासले नाम है, तो लक्ष्मी सागर वासले ने पहला निबंधकार किसे माना है, तो लक्ष्मी सागर वासले ने बाल मुकुंद गुप्त को पहला निबंधकार माना है, लक्ष्मी सागर वासले ने। अब है विश्वनाथ, तो विश्वनाथ ने किसे माना है, सदा सुखलाल को पहला निबंधकार माना है विश्वनाथ ने, सदा सुख लाल पहला निबंधकार माना है। अब है शुक्ल जी, अब जब इन्हें मानो अर्थात हिंदी में प्रथम निबंधकार भारतेंदु हैं, शुक्ल जी ने माना है, किसने माना है, शुक्ल जी ने, डी विकल्प सही है, ठीक है। तो ये शानदार प्रश्न है, शुक्ल जी ने माना है पहला निबंधकार किसे, भारतेंदु को, और गणपत चंद्रगुप्त ने पहला निबंधकार किसे माना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, लक्ष्मी सागर वासले ने पहला निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त को माना,
और विश्वनाथ ने पहला निबंधकार सदा सुख लाल को माना। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 20, और शानदार व्याख्या भी। ठीक है, 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, पूरा अंक 20 है और ये आपके अंक हैं। ठीक, चलिए अब इसमें इसकी PDF यदि आपको प्राप्त करनी है तो प्रद्योत गुरुकुल PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल। वैसे ज़्यादातर वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में हम लिंक इसका दे देते हैं, तो इसमें भी दे देंगे, किसी में हो सकता है भूल जाएं तो न दे पाएं, लेकिन अधिकांश में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करेंगे और आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे और फिर आपको इसकी, इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ जो परीक्षा के लिए होगा बेहद उपयोगी। क्लास को लाइक करके अवश्य जाएं, एक कमेंट करके अवश्य जाएं और दोस्तों को शेयर करके भी अवश्य जाएं। ठीक है, आप अपना कर्तव्य निभाते चलिए, हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी लगन परिश्रम के साथ निभा रहे हैं। ठीक है, तो भाई गुरु हैं नहीं, यदि गुरु मानते हो तो भाई कुछ आपका भी कर्तव्य है गुरु के प्रति। ठीक है, जो भी मानो, बड़ा भाई मानो या गुरु मानो या शिक्षक मानो या जो भी समझ लो, जो आपको लगे, छोटा भाई मानो तो आप मान सकते हैं, तो आप भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। मिलेंगे फिर से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, राधे राधे कहते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। जय हिंदी, जय भारत।